नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। मध्य रात्रि में एक पुलिस की टीम जो अपने आप को AIG राजकीय की प्रसाद रंजन गुप्ता व हमीद अख्तर के रूप में अपना परिचय दिए थे, वो लोग विधायक संजीव सिंह के सेल में प्रवेश कर जाते हैं बिना डिप्टी कमिश्नर धनबाद के, और इन लोगों ने प्रवेश करने के उपरांत सेल विधायक संजीव सिंह के सेल में रखे सामानों को तितर बितर कर दिया, और माननीय विधायक जो कि काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं उनको जबरन उठाकर उनसे इंट्रोगेशन करने लगे, जबकि इंट्रोगेशन करने का उनको कोई अधिकार नहीं है, जबकि नीरज सिंह हत्याकांड में चार्जशीट सबमिट होने के बाद ट्रायल अपने फेगेंड में है और वो जुडिशियल कस्टडी में है, ऐसे में नीरज सिंह हत्याकांड से संबंधित सवाल करने का उनको अधिकार नहीं था। इसके बावजूद उन लोगों ने इसका गलत मिसयूज किया और इन लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया माननीय विधायक संजीव सिंह के विरुद्ध। साथ ही साथ कुछ लोग जो AIG श्री प्रसाद रंजन गुप्ता रांची के साथ प्रवेश किए थे और जो पुलिस के वर्दी में थे, वो देखने से उनके व्यवहारों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये आउटसाइडर लोग हैं, इनको पुलिस के ड्रेस पहना करके जेल के अंदर प्रवेश करवाया गया है। वो लोग जो पुलिस के ड्रेस में थे और उनके टाइयों से असामाजिक तत्व के तरह प्रतीत हो रहे थे, उन लोगों ने माननीय विधायक संजीव सिंह से काफ़ी प्रचारित किया और उनके बुरे परिणाम की धमकी दी। देखिए, ये संवैधानिक अधिकार है हर व्यक्ति का, चाहे वो बाहर हो चाहे वो जेल के अंदर हो, वो उनसे आप इंट्रोगेशन बिना न्यायालय के परमिशन से नहीं कर सकते। इसके बावजूद इसमें शिकायत कहाँ कहाँ नहीं लग रहा है कि जेलर के लिए जो है जेलर कैसे उनसे, देखिए ये एक्चुअल में बात ये है कि जेल मैनुअल के अनुसार बिना डिप्टी कमिश्नर के प्रेजेंस के मध्य रात्रि को कारा में प्रवेश नहीं किया जा सकता, बावजूद इनके धनबाद जेल के ऑफिसर थे उन्होंने वरी पुलिस प्रकारी के दबाव में आकर उनको अलाउ किया। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पूरे पूछताछ के क्रम में उन रांची की जो टीम आई थी उन्होंने धनबाद जेल के पदाधिकारियों को सेल से बाहर रखा, आखिर क्यों उनको बाहर रखा गया। माननीय विधायक ने टेलीफोन के द्वारा मुझे सूचित किया है कि उनको आशंका है कि उनके साथ कुछ पदाधिकारीगण किसी तरह के अनहोनी घटना को अंजाम दे सकते हैं या दिलवा सकते हैं। अभी इसके बाद फिर इसके फलस्वरूप क्या, अभी इन तमाम ग्रीवांसेस को लेकर आज हम लोगों ने माननीय न्यायालय श्री अलोक कुमार दुबे के डी जे पोटिन के न्यायालय में आवेदन देकर माननीय न्यायालय को अवगत करवाया और उनके साथ साथ हम लोगों ने प्रेयर किया है कि जो दोषी सरकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय ने गंभीरता से मामले को संज्ञान में लेते हुए जेल प्रशासन से 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट तलब किया है। Thank you.